गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड हाउ आर यू ऑल आई होप यूर आर वेल दिस इज योर इंग्लिश पीरियड प्लीज टेक आउट योर बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन बुक पार्ट थ्री टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द चैप्टर वी हैव डन टिल नाउ ओके सो लेट्स रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर इज सिंगलर एंड रूरल जब हमने सिंगुलर प्रूरल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़े थे इसके रूल्स पढ़े थे याद है सबको सिंगुलर मीन्स वन रूरल मीन्स मोर देन वन You all know that. Now, we are going to revise the rules of singular and plural. Okay. So, first rule was about adding S. There are various rules to change singular nouns into plural nouns. The most common of these rules is to add S. Book tha, apne S add kya books bana. Horse plus S, horses. Chair plus S, chairs. Lion plus S, lions. Okay. रूल नंबर वन ना होता है रूल नंबर सेकेंड इन रूल नंबर सेकेंड वी है साउंड जब भी ऐसे हिजिंग साउंड आएंगे तो क्या लगता है ई एस एड होता है फॉर एग्जाम्पल बस ई एस बसेस गैस प्लस ई एस गैसेस ग्लास प्लस ई एस ग्लासेस के

लेकिन अगर इसी वाउल की जगह में कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या करते हैं वाई को हटा के आई ई e, एस लगाते हैं याद है वो है हमारा रूल नंबर फोर द एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर थ्री वाई और एस एड होता है जिसमें वो है टोंकी मंकी वैली की बिकॉज इन सबके आगे क्या है वाउल है ठीक है लेकिन जो हमारा रूल नंबर फोर है वो कहता है कि जब हमारा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो ठीक है तब हमें क्या करना पड़ता है को रिमूव करके IES प्लस करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल आर्मी आर्मीज फ्लाई फ्लाइज स्टोरी स्टोरीज ओके सो दिस इज रूल नंबर फोर नाउ रूल नंबर फाइव जब भी कोई नाउन ओ से एंड होता है तो उसमें क्या लगता है फॉर एग्जाम्पल मैंगो मैंगोज हीरोज मॉस्टो मॉस्कटोज ओके और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमे लास्ट में ओ होता है बट उसमें ई एस नहीं लगता एस लगता है वो हमारे रूल नंबर सिक्स में आ जाता है ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे पियानो पियानोज हमने इसमें ई एस नहीं लगाया है हमने क्या लगाया है पियानोज फोटो फोटोज रेडियो रेडियो नाउ रूल नंबर सेवन जब भी एफ और एफ ई लगा हो लास्ट में तो हम क्या करते हैं एफ को रिमूव करके वी ई एस लगाते हैं ओके दिस इज रूल नंबर सेवन काफ काफ्स हाफ हाफ्स लीफ लीव्स लीव, लीव, लोफ लोफ्स लोफ, थीफ उट एंड इन एफ और एफ वी कैन बी चेंज इन टू दूरल एसी में ही कुछ एक्सेप्शन और होते हैं जैसे हमने ऊपर वाले में एक्सेप्शन देखे थे ओ वाले में इसमें एक्सेप्शन था पियानो फोटो रेडियो और इस वाले में हमारा एक्सेप्शन है रूफ रूफ में हम एस सी लगाते हैं एफ को हटा के वीई एस नहीं लगाते होफ इसमें आप दोनों लगा सकते हो आर करेक्ट स्का करेंगे ओके लेट्स मूव टू सम नाउन डू नॉट फॉलो एनी रूल गिवन टू फॉर्म प्लूरल दे फॉर्म दे बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल्स और वाउल्स ऑफ द सिंगुलर और कुछ नाउ्स ऐसे होते हैं जो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे वाउल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन है इसमें हमारा वाउल है ए ये चेंज होकर क्या हो जाएगा ई मैन वुमेन ई चेंज होगा वीमैन फुट डबल ई हो जाएगा डबल ओ की जगह फीट ओके सो इसमें क्या चेंज हो रहा है वाउल चेंज हो रहा है क्या चेंज हो रहा है वाउल चेंज हो रहा है आपके नाउन नंबर नाइन नंबर नाइन में हम वो पढ़ रहे हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में सिमिलर होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल डियर डियर फिश फिश शीप शीप मूस मूस फिश का फिश भी होता है और फिश भी होता है वो था करेक्ट ओके नाउ नंबर टेंथ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ही होते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें प्लूरल फॉर्म में ही मिलता है फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में Cheezers, हम कभी भी इसको कैसे नहीं करते हैं सिंगुलर में नहीं लिखते हैं हम इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं ट्राउजर्स इसको भी स्पेक्टिकल्स ग्लव्स शॉर्ट्स क्लोथ्स गॉगल्स न्यूज जीन्स binoculars ये सब पेयर में ही रहते हैं ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएंगे और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं प्लूरल फॉर्म में नहीं आता ज्वेलरी होता है ज्वेलरीज नहीं होगा मर्ड mud होगा मड्स नहीं होगा लगेज luggage होगा लगेजेस नहीं होगा ब्रेड bread होगा ब्रेड्स नहीं होगा पास्ता pasta होगा पास्तास नहीं होगा मनी होगा मनीस नहीं होता फर्नीचर furniture, फर्नीचर्स नहीं होता है बेडिंग bedding, बेडिंग्स नहीं होती हैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशंस नहीं होता है और पोएट्री पोएट्रीज नहीं होती हैं ओके सो यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज And you have to learn the plural form and singular form of each one. Okay. Now the next chapter. Next chapter is your gender. In this chapter, you have to learn all the masculine and feminine gender of persons and animals. Okay. See. This masculine feminine. a persons ke base. Pe एंड दीज ऑफ एनिमल्स सो आपको बोथ लर्न करना है बाकी जो एक्सरसाइजेस है इसकी उसको भी रिवाइज करना है बॉय गर्ल सन डॉटर हजबेंड वाइफ फ्रेंड सन ग्रैंड डॉटर अंकल आंट हीरोन ओके ये कौन सा वो होता है जो मेल होते हैं यानी लड़के वाले उसमें होता है और ये कौन सा होता है फीमेल जो लड़कियों वाले में होते हैं ओके okay? मेस्कुलाइनस मेल फेमिनाइन इज फीमेल मेस्कोलाइन में लड़कों वाली फॉर्म आती है फेमिनाइन में लड़कियों वाली फॉर्म आती है वॉट इट नाउ यू हैव टू लर्न एवरीथिंग इंक्लूडिंग ऑल द एक्सरसाइजेस फॉर योर यूनिट टेस्ट ओके नाउ द लास्ट चैप्टर विच यू हैव डन एज ऑपोजिट ऑपोजिट क्या होता है ऑप्सिट आर वर्ड्स विच मीन्स अपोजिट मीनिंग यानी वो वर्ड्स जो कि जिसकी मीनिंग बिल्कुल उल्टी होती है ठीक है जैसे अगर मैंने बोला राइट right, आप बोलोगे रॉन्ग मैंने बोला येस yes, आप बोलोगे नो no. मैं बोलूँगी ब्लैक आप बोलोगे वाइट मैं बोलूंगी डीप आप बोलोगे शेलो मैं बोलूंगी सॉफ्ट आप बोलोगे हार्ड ठीक है मतलब डायरेक्ट अपोजिट आप बोलना है आपको उल्टा बोलना है ठीक है इसमें भी आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो लर्न करनी है ओके okay? और विथ विद चैप्टर्स एंड ओके नाउ फॉर योर यूनिट टेस्ट यू हैव टू लर्न थ्री चैप्टर्स वन इज योर सिंगलर प्लूरल सेकेंड इज योर जेंडर एंड थर्ड इज योर ऑप्सिट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी एक्सरसाइज यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड And you have to do your UT when it's given on Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. So for Sunday, you have to learn all this. With this a class and here, I will see you the next time. Till then. Stay home. Stay safe.